हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ऑन राजा खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज है ईद। ईद तो नहीं है, ईद याद आ जाती है जल्दी जल्दी। तो गाइस, आज है चांद रात, आज से रमजान शुरू हो गए हैं। हम तरावी वरावी पढ़ के फारिग हुए हैं और अभी वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ मैं। वर्कआउट नहीं छोड़नी, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं। उधर गुरुजी भी वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी लेट हो गया हूँ। पता नहीं साथ में वर्कआउट में होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि काफी लेट हो गया और उनको सुबह जल्दी जिम भी खोलनी होती है। तो गाइस, चांद रात है, तरावी पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज के बाद जा रहे हैं। गाइस, आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यार, नमाज रोजे करो, ठीक है, और बहुत जरूरी है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो साथ साथ, और सबके लिए दुआएं भी करो, इस मुल्क के लिए दुआएं करो, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, चाहने वालों के लिए, ठीक है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तो गाइस, आज वर्कआउट करने जा रहे हैं। वर्कआउट हमारी प्लान है कि हम देखो कौन सी करते हैं। वैसे ट्राइसेप का मेरा हो रहा है कि मैं करूंगा, और इधर मेरा साइड में मेरा भाई है। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, काफ़ी सपोर्ट होता है इसका मुझे शूट में, काफ़ी हेल्प करता है मुझे शूट में, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे भाई का। और काफ़ी लेट भी हो गया, जल्दी जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, कंटिन्यू इंशाल्लाह वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा सा काम की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया था अपडेट, मेरी एक वर्कआउट रह गई थी। बाकी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ डाइट से रिलेटेड और खाने से, इन सब से रिलेटेड। और इंशाल्लाह मैं पूरे रमज़ान का भी कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट्स में आपको देता रहूँ वीडियोस अपनी, और एक पर्टिकुलर व्लॉग भी ऐसा छोटा मोटा मिलता रहेगा मेरा आपको। और काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं, ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी प्यार देते रहो इंशाल्लाह। और काफ़ी मतलब सिचुएशन जो हमें फेस करनी पड़ेगी रमज़ान के टाइम, तो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूर लेफ्ट लेना है, यहाँ से यहीं पर मुड़ना है बस, ये लेफ्ट लेना। तो रमज़ान के टाइम काफ़ी सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि वो शेड्यूल, वो टाइम, वो सब चीज़ मैनेज करें। क्योंकि अब जो हम दिन में खाते थे, अब वो रात में खाएंगे। वही मैं बताऊंगा गाइस, कब कब किस टाइम चीज़ें मैं ले रहा हूँ, कब कब मैं इंटेक कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो गाइस, अपनी प्रॉपर वर्कआउट डाइट कंटिन्यू रखो, और नमाज रोज़े भी कंटिन्यू रखो, और इंशाल्लाह आपके फ़र्क भी आएगा बॉडी हेल्थ पे भी और नमाज रोज़ों पे भी, ठीक है। और दुआएं करना, दुआ में याद। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं जिम में। जिम में हम वर्कआउट करेंगे, खाली जिम में वर्कआउट करने का मजा ही अलग होता है। गुरुजी चले गए, उनको जल्दी जाना था, तो हमारे वर्कआउट करने, वर्कआउट होने वाली ट्राइसेप की मैं दिखाने वाला हूँ पूरी वर्कआउट। और वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है, और मैं सोच रहा हूँ डाइट भी आपको दिखाऊंगा कि हम डाइट क्या लेंगे इसके बाद और कैसे लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वर्कआउट की तरफ। सो गाइस, हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है लॉन्ग केबल कर्ल ट्राइसेप की, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। 3 सेट्स होंगे, 15 रैप्स होंगे, गेनिंग सीरीज है, फॉलो करनी है अपने पूरी। तो इस वेट अकॉर्डिंग टू लगाना है, ज़्यादा वेट नहीं लगाया मैंने, 5 प्लेट्स लगाई हैं, और हम चलते हैं। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन हम करने वाले हैं। इसके हम 3 सेट्स और 15 रेप्स लेने वाले हैं। देन फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग 7.5 से होगी। पोजीशन बहुत ज़रूरी है, पोस्चर आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन, पोस्चर और वेट अकॉर्डिंग उठाना चाहिए।
सो गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है बोथ हम डंबल एक्सटेंशन जो हम करेंगे, इसके भी हम 3 सेट 15 रैप्स लेंगे और वेट में बता दूं आपको 15 17.5 20 ये होने वाला है विद पोस्चर के साथ। हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम पोस्चर का ख्याल रखें ज़्यादा जब हम ये करते हैं, उसमें हमारी एल्बो ज़्यादा वाइड ना हो। वेट के साथ साथ पोस्चर का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। खाली ऐसा नहीं वेट उठा लिया कुछ भी मार लिया, इंजरीज के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। और अपना वेट अपने रैक में अगर रखें, ये भी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि वेट को रैक में ही रखना चाहिए और आफ्टर एक्सरसाइज मसल का पोज करना जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है कि इसमें आपका पोज भी जो है इम्प्रूव होगा और आपका मसल भी उतना ही स्क्वीज और स्ट्रेच होगा जब पोजिंग करते हो। पोजिंग हर एक्सरसाइज के बाद करा करो आप, चाहे वो चेस्ट शोल्डर आर्म्स ट्राई लेग्स कोई भी हो, सबके बाद करा करो। नेक्स्ट सो गाइज हमारी नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप की रोप पुश डाउन जो हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेट करेंगे, ज्यादा नहीं करना, ईगो लिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ मसल के साथ लिफ्ट करना है, ठीक है। इसके जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो 4 एक्सरसाइज होंगी, 15-15 रैप्स की होंगी और आफ्टर एक्सरसाइज पोजिंग बहुत जरूरी है। सो गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है पुली पुश डाउन। बिफोर पुली पुश डाउन हमें BCAA की जरूरत होती है ड्यूरिंग वर्कआउट में, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं उस टाइम इस पेट्रोल इस डीजल की जरूरत होती है जो हमें फुलफिल करता रहता है हमारी एनर्जी को और हमें बूस्ट करता है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कंटिन्यू करें और अपनी वर्कआउट में ऐड करें और इसको कम से कम एटलीस्ट 1 लीटर आपको ड्यूरिंग वर्कआउट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा सोच लो कि मैंडेटरी है बिल्कुल आपके लिए, पानी बहुत ज़रूरी है। तो अपना BCAA नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, BCAA भी यूज़ कर सकते हैं, BCAA की जगह EAA भी आता है तो आपको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत बूस्ट करता है वर्कआउट करने में। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं हमारी पुली पुश डाउन। इसके गाइस हम लेने वाले हैं 4 सेट 15 रैप्स, वेट कम होगा अकॉर्डिंग टू योर वेट अगर मारना है हमें। सो गाइज हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है बेंच डिप्स जो हम करने वाले हैं। तो गाइज एक्सरसाइज करो, फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट का ध्यान रखो, ख्याल रखो, ठीक है। और साथ साथ में मैंने बोला रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में रोज़े भी, नमाज भी, वर्कआउट भी ज़रूरी है। वो सारा शेड्यूल मैं आपको बताऊँगा मैं कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी उस तरीके से करना। तो चाहे चलते अपनी लास्ट वर्कआउट की तरफ, हमारी बेंच डिप्स होने वाली है। तो मसल देख रहे हो, मसल देख रहे हो, मसल के रख दूंगा। तो गाइज इसके भी हमने 3 सेट 15 रैप्स करने हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वर्कआउट को फॉलो करो। कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम का नीचे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नाम शो होगा, जाओ फॉलो करो।
ठीक है, और जिसको तैयारी करनी है नीचे मेरे गुरु जी का भी मेंशन, मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, फॉलो करो और ऐसी बॉडी बनाओ। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून। सो गाइस, आफ्टर वर्कआउट जरूरत होती है प्रोटीन की इमीडिएट, तो हमें इसको प्रोटीन, वे प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो बॉडी है जो आप वर्कआउट करके आप मसल टिश्यूज फटे हुए हैं, तो उनको इंस्टेंट रिकवरी देने के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। प्रोटीन आप घर जाके भी अपना डाइट से ले सकते हो, लेकिन इंस्टेंट प्रोटीन जो हमें चाहिए होता है, वो जो सबसे मेन जो बोलते हैं ना, प्रोटीन किस काम आता है, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो इसी काम आता है कि आप वर्कआउट तुरंत करते ही इंस्टेंट इस प्रोटीन को लो, ताकि जो मसल आप मसल टिश्यूज को जो स्ट्रेच इतना स्क्वीज करके आए हो, मसल जो फाड़ के आए हो, तो उसको रिकवरी मिलनी चाहिए। इस मसल को जो हमने ट्रेन करी है ट्राइसेप, को रिकवरी मिलनी चाहिए, तो इंस्टेंट हमें पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन की जरूरत होती है, जो एक स्कूप प्रोटीन हमें 25 से 30 ग्राम प्रोटीन देता है। बाकी हम ये प्रोटीन लेंगे, उसके बाद हम फिर घर चले के और डाइट लेंगे। सो गाइस, जिम के बाद आ चुके हैं डाइट में। जो मैं आपको बताया था डाइट में, मैंने बताया था आप बर्गर यूज कर सकते हो, बर्गर बन, क्योंकि फिश नॉर्मली खाई नहीं जाती है, तो हम बर्गर बन इंग्लिश ओवन का यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ले रहे हैं फिश, और फिश की ऐसे टिकियां बनानी है आपको, जिसमें मेरी अम्मी हेल्प कर रही है मुझे, और रोज़ रात को यही बना के मुझे देती हैं, काफ़ी अच्छी शेप में। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बना लेता हूँ, बाकी इनके हाथ से बहुत अच्छी शेप आती है। और ये बर्गर ओवन आप देख सकते हैं, आप ऐसा मंगवा सकते हैं, और ऐसे अपने इसको पीस के, फिश को मैंने पूरी पिसवा रखी है, और इसमें हमने मिक्स कर रखा है बीन्स और कुछ सैलड ऐड कर रखी है इसके अंदर छोटी छोटी, और ऐसे पीसेस करवा के हम बनवा के हल्का सा आँच पे ऑलिव ऑयल ले सकते हो, हल्का सा ऑयल लेके उसको बस सेकना है, और रोस्ट भी आप कर सकते हो, रोस्ट करके भी खा सकते हो। मैं थोड़ा ऐसे खा लेता हूँ नॉर्मल सेक के और बन के अंदर लगा के, तो भाई सब ये रेडी हो रहा है, रेडी होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सब हमारा रेडी हो गया, मैं बता दूँ ये बन आप ले सकते हैं। इनमें फ़ायदा ये है कि आपको कट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी पीसेज आते हैं। देन हमारी टिक्कियाँ आ चुकी हैं, हल्का सा हमने बन को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे सेक लिया है, ऐसे टिक्कियाँ सब सीख चुकी हैं, और बन को भी हमने हल्का सेक लिया है, और हम अब इसको आगे देखते रहना हम कैसे इसको बनाने वाले हैं, पूरा फिश बर्गर जो कि खाने में दिखने में बहुत टेस्टी आपको लगेगा, तो वो दिखाता हूँ, वेट एंड वॉच। सो गाइस, उसके बाद हमने कर दिए अपने बन रेडी। बन के ऊपर हल्का सा हमने मायो का लगाया, वाइट कलर का, बहुत हल्का सा, जो मैं अपना गेनिंग मोड पे भी थोड़ा कर रहा हूँ। उसके ऊपर केचप एक ड्रॉपर लगाई हुई है, और बहुत देखने में आपको टेस्टी लग रहा होगा। और थोड़ी सी हमने सैलेड कट करी हुई है, इसमें हमारा टोमेटो है और ये कैबेज है हमारा, तो देख सकते हो टेस्टी भी लग रही है, खा भी लोगे, प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। बट मैं बता दूँ, ये गेनिंग की डाइट है मेरी, मैं गेनिंग पे हूँ हल्का, तो मैं इसलिए क्लीन और अच्छी डाइट ले रहा हूँ। तो आप भी अपना चिकन के ऐसे फिश के पीस बनवा सकते हैं, पिसवा के ऐसे करके, देन हम ये ऐसे, और हमने फिर इसको कर देना क्लोज। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितना टेस्टी, कितना अच्छा लग रहा है तो पीस रखने के बाद। तो गाइस, ऐसे ही सारे पीसेस मैं करूँगा, देन खाऊँगा, और आपने भी ऐसी डाइट फॉलो करनी है। बाकी और रमजान का मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ऐसे छोटे व्लॉग्स मेरे आपको मिलते रहेंगे। कि चैनल को फॉलो करो, प्यार दो, और जब मैं खाऊँगा मैं फिर दिखाता हूँ कितना टेस्टी है। सो गाइस, डाइट हो गई है रेडी, और आप देख सकते हो कितनी आपको देखने में प्यारी लग रही होगी, डिलीशियस लग रही होगी। हमारा बर्गर, देन हमारा कैबेज, और नीचे दो फिश के आपको स्लाइस दिख जाते हैं, देन ऊपर से हमारा बर्गर बन दिख जाता है। तो देखने में इतना है, और मेरा बहुत मन हो रहा है, बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा डिलीशियस बना हुआ है। मैंने तो देखा नहीं अब तक किसी ने ऐसा बना के डाली है वीडियो या ऐसा कुछ ट्राई करा, बट आई एम श्योर कि अगर आप ट्राई करोगे, आप खाओगे ऐसे, तो ऑफकोर्स आपको अच्छा भी लगेगा, फिश भी पूरी हो जाएगी, प्रोटीन इंटेक भी पूरी हो जाएगी, और खाने में मज़ा आएगा। जो मचलाते हैं, जिनका जी नहीं करता, जिनको अच्छा नहीं लगता फिश, वो दूर 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 भागते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, कुछ टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ आपने एक बार बनाना है, उसको मैश करके फ्रिज में रख देना, अपना आके टिक्की बनाया और अपना खा लिया। तो भाई जी, मैं डाइट ले रहा हूँ, और बाकी आप देख ही रहे हो। तो भाई, ऐसी मेरी अपडेट मिलती रहेंगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, और ऐसे ही प्यार देते रहो, करते रहो, और चैनल को फॉलो कर लो। So till then, take care and stay tuned. Bye.